प्रदेश में योग दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले दत्तात्रेय नगर गार्डन में प्रतिदिन अलग अलग संस्था के योग प्राणायाम करने वाले महिला पुरुषों ने आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ योग दिवस मनाया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने योगा किया। पेश है संवाददाता संजय मीरे, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में भारत के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विदर्भ में और विदर्भ के नागपुर में और नागपुर के दक्षिण नागपुर अंतर्गत आने वाले दत्तात्रेय नगर में योगा प्राणायाम करने वाले महिला पुरुषों ने शानदार जुम्बा का आयोजन कर योग दिवस मनाया। योग का सरल अर्थ शरीर और व्यक्तित्व को अनुशासित करना होता है। योग व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अनुशासन में लाने का सर्वोत्तम तरीका है। योग करने से आपके लचीलेपन में सुधार आता है, मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, आपके पोस्चर्स को परिपूर्ण करता है, उपास्थि और जोड़ों को टूटने से बचाता है, एक स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। दत्तात्रेय नगर गार्डन में संस्था के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ जुम्बा किया। हर किसी के चेहरे पर ताजगीपन साफ दिखाई दे रहा था। योग दिवस पर दत्तात्रेय नगर गार्डन के योगा अभ्यासियों ने BCN समक्ष जानकारी दी। आज के इस योगा दिन के अवसर पर मैं लोगों से अपील करती हूँ कि दिन रात गोलियाँ खाने से तो अच्छा है, रोज का आप एक घंटा तो भी खुद के लिए निकालें और योग भगाए रोग, इस आधार पे आप आगे बढ़ें। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसकी मैं सभी नागपुरवासियों को और पूरे भारतवासियों को शुभेच्छा देता हूँ और सब अपने शरीर का, अपने तन मन का योगा द्वारे रक्षण करें, उससे अपने आप को प्रेरित करें, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएं, यही मैं सबको आशा करता हूँ और यही सबको संदेश देता हूँ। हम योगा निरंतर करते हैं, रोज 6:30 बजे आते हैं और योगा करके हमको बहुत सारा फायदा हुआ है। ये अपने भारतवर्ष में प्राचीन काल से योगा था, लेकिन कुछ ये मॉडर्न शैली से योगा कुछ थोड़ा सा पीछे पड़ गया था, तो आदरणीय बाबा जी ने योगा का आस्था चैनल के थ्रू ये सब शुरू किया और सब लोग इतने प्रेरित हो गए कि सही में उसका बहुत सारा फायदा होता है। 2 घंटे व्यायाम करने के बजाय ये 40 घंटे में तुम्हारा 40 मिनट में हर प्रकार का इसमें व्यायाम हो जाता है और बहुत सारा मजा और लगन आती है और शरीर को निश्चित ही फायदा होता है। हर आदमी ने इससे प्रेरणा लेके योगा में सहभागी होना ही चाहिए, ये मेरा कहना है। आज संपूर्ण भारत देशात 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून मोठ्या थाटामाटात उत्साह साजरा करण्यात येत आहे। खऱ्या अर्थानं आपला भारत देश या योग संस्कृतीचं काय म्हणता येईल उगम स्थान आहे, पण आपल्या या संस्कृतीचं जे अनुकरण पाश्चात्य देश करत आहे आणि ज्या पद्धतीनं या योग संस्कृतीचा, योग साधनेचा, योग योगासनाचा प्रचार आणि प्रसार करत आहे, खऱ्या अर्थानं हे खरंच खूप वाखाणण्याजोगी गोष्ट आहे। आणि आज आमच्या या दत्तात्रेय नगर गार्डन मध्ये आमचा जवळपास 200 लोकांचा योग नृत्य परिवार हा ग्रुप आहे। रोज आम्ही सकाळी 6:30 इथे येऊन 7:15 जवळपास पाऊण तास खूप चांगल्या आनंदी आणि उत्साहवर्धक वातावरणात आमचं योग नृत्य सादर करीत असतो। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर उचित समय नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते शहर में कई मरीज दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये लोग योगा, प्राणायाम, जुम्बा करते हैं, वो इन लोगों जैसे स्वस्थ, सुंदर और तरोताजा दिखाई देते हैं। आप सभी को BCN परिवार की ओर से विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दत्तात्रेय नगर गार्डन से संजय मीरे की ग्राउंड रिपोर्ट।